नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं नितिन श्रीवास्तव आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज, जो शायद आज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, उसके बारे में उसका परिचय आपको देना की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और ये परिचय बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज मैं जिस लैंग्वेज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उसका कुछ इंट्रो देने जा रहा हूँ, उसका नाम है बच्चों पाइथन। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी परिचय की आज के डेट में मोहताज नहीं है, क्योंकि दुनिया में इसको लोग कह रहे हैं कि ये बिगनर्स की लैंग्वेज है, तो कुछ कह रहे हैं प्रोफेशनल्स की लैंग्वेज है। तो क्यों आज इतनी पाइथन पॉपुलर है, इसकी क्या कुछ प्रमुख खासियतें हैं, बहुत ही संक्षिप्त समय में मैं आपको एक्सप्लेन करने या बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप इसको समझिए, जानिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि पाइथन एक ऐसी भाषा है ना जो आज जन जन की लैंग्वेज हो चुकी है, कंप्यूटर लैंग्वेज। तो आइए इंट्रोडक्शन टू पाइथन के साथ आपके साथ मैं शुरुआत करता हूँ। बच्चों तैयार हो जाइए मेरे साथ इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो देखिए, पाइथन आपकी ये जो लैंग्वेज है, पहले तो इसका निर्माण किसने किया था? एक सज्जन जिनका नाम है गाइडो वैन रॉसम। किसने किया था? एक सज्जन थे जिनका नाम था मिस्टर गाइडो वैन रॉसम जी। उन्होंने पाइथन का निर्माण किया, और जो पहला एडिशन पाइथन का, जो फर्स्ट एडिशन लॉन्च हुआ था, जिसे आप पाइथन 1.0 भी कह सकते हो, वो आपका लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ? नवंबर 2005 में। पहला पाइथन 1.0 का स्टार्टिंग हुआ था नवंबर 2005 में। और आज पाइथन के अबव 4.0 यानी 4 के ऊपर के नंबर्स, और बीच में न जाने कितने एडिशंस, तो बहुत सारे एडिशंस पाइथन के आ चुके हैं। निरंतर डेवलपमेंट, निरंतर बदलाव इस लैंग्वेज में हो रहा है। और मैं आपको बता दूं पाइथन ने किया क्या है। पाइथन ने बहुत सारी प्रचलित लैंग्वेजेस लाइक सी, आपकी C++, आपकी जावा, ये सारी क्या है, पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, इनके बेस्ट फीचर्स को क्या किया, अपने अंदर समाहित कर लिया। बेस्ट फीचर्स, हर लैंग्वेज के कुछ बेहतरीन फीचर्स होते हैं, जैसे सी के अपने हैं, C++ का अपना है, जावा का अपना है। तो अलग अलग लैंग्वेज के फीचर्स को इसने क्या किया, कंटेन करके बच्चों, इसने कंबाइंड करके एक लैंग्वेज बनाई, जिसका नाम पाइथन रखा गया। तो लोग पाइथन को इसीलिए हाइब्रिड लैंग्वेज का नाम भी देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पाइथन इज कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब विभिन्न लैंग्वेजेस के फीचर्स को इसने अपने अंदर क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, जोड़ लिया, ऐड कर लिया। तो आइए पाइथन के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूं। मेन फीचर्स ऑफ पाइथन। तो सबसे पहली बात जिसके बारे में कही जाती है कि पाइथन इज बिगनर्स लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है पाइथन? बिगनर्स माने ये उन लोगों की लैंग्वेज है जो लोग प्रोग्रामिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं या प्रोग्रामिंग को सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। पाइथन किस प्रकार की भाषा है? बिगनर्स लैंग्वेज है। दूसरी क्या खास बात है, दूसरी खास बात पाइथन के बारे में ध्यान दीजिएगा कि पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है भाई?
हाई लेवल लैंग्वेज आप किसे कहते हो, तो एक ऐसी भाषा, गौर से समझिएगा, एक ऐसी भाषा जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो लिखे जाते हैं वो लुक्स लाइक सिंपल इंग्लिश, यानी जो इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देंगे जो आप लिखोगे, जैसे आपने लिखा ए का मान 10, बी का मान 20, सी बराबर ए प्लस बी, और फिर आपने क्या लिखा, प्रिंट सी। समझने की कोशिश करिएगा, तो यहां पर आप मुझे बताइए ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपने लिखे हैं ये देखने में सिंपल है या नहीं है? बिल्कुल सिंपल है, लुक्स लाइक आपको अंग्रेजी के जैसे नहीं दिख रहे हैं, बोलिएगा, बिल्कुल ये देखने में सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज लग रही है। यहां पर कोई कंप्यूटर साइंस के टर्म्स, कोई कंप्यूटर साइंस के अलग से इंस्ट्रक्शंस का कहीं यूज नहीं है। कोई भी एक आम आदमी, आम पब्लिक देख लेगी तो वो समझ जाएगी कि यहां लिखा क्या हुआ है। एक कोई वेरिएबल ए जिसका मान 10, कोई दूसरा वेरिएबल बी जिसका मान 20, सी बराबर ए प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ा ए और बी को और स्टोर किया किसमें, सी में, और फिर प्रिंट करा दिया सी, तो सी का आउटपुट जो भी आएगा 20 प्लस 10 30 आएगा। तो बताइए ये एक बहुत बड़ी ताकत है किसकी, आपके पाइथन की, कि पाइथन कैसी लैंग्वेज है, पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी भाषा को हम लोग कहते हैं जहां पर प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम को नोट करना बहुत आसान होता है। हमें बिल्कुल मशीन के बारे में जानकारी नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल कोई कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझने की जरूरत है। तो ऐसी भाषाओं को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन की सबसे बड़ी पावर है कि ये हाई लेवल है। दूसरी क्या खास बात है, अगली फीचर कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का क्या मतलब है भाई, इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है कि पाइथन में जो आप कोड लिखेंगे, या देखिएगा जो भी आप बच्चों पाइथन में कोड लिखोगे, मान लो कोई फाइल आपने बनाई xyz.py, इसमें कुछ लाइनें आपने लिखी, ये लाइनें हैं जो मैं खींच रहा हूं डैश डैश डैश, इसका क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा इंटरप्रेटर के द्वारा, और इंटरप्रेटर क्या करेगा, गौर से समझिएगा, ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा, और ये ऑब्जेक्ट कोड कहां जाएगा, ये जाएगा आपके सीपीयू के पास। देखिए सीक्वेंस बहुत क्लियर है, मैंने कहा पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो बच्चों इंटरप्रेटेड का यहां क्या मतलब है कि एक एक लाइन, एक लाइन को ये इंटरप्रेट करेगा, ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा, और वो ऑब्जेक्ट कोड सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट करके आपको क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, यानी यहां पर जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो आपका लाइन बाई लाइन होता है। ये एक बहुत बड़ी पावर है पाइथन की। मैंने कहा ना पाइथन एक बिगनर्स लैंग्वेज है, तो जो बिगनर हैं, जो प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने अभी लेटेस्ट प्रोग्रामिंग शुरू की है, उनके लिए ये जो प्रॉपर्टी है ये वरदान से कम नहीं है कि आपने एक लाइन लिखा, उसको एग्जीक्यूट किया, उसका रिजल्ट मिला, अगली लाइन देखा उसका, यानी लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन। जबकि जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं लाइक सी प्लस प्लस, यहां ये फीचर नहीं है। वहां पर क्या है कि जब तक तुम पूरा प्रोग्राम लिख के उसको कंपाइल नहीं कर लोगे, उसको सेव नहीं कर लोगे, ऑब्जेक्ट कोड बन नहीं जाएगा, तब तक वो रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते आप। पाइथन की ये बहुत बड़ी खासियत है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब कि भैया पाइथन में लाइन बाई लाइन, एक पहली लाइन हो गया, फिर दूसरी लाइन ऑब्जेक्ट बनेगा सीपीयू के पास जाएगा, तीसरी लाइन ऑब्जेक्ट कोड बनेगा सीपीयू के पास, ये क्रम चलता रहता है बच्चों, वन बाई वन बाई वन। तो इसीलिए हम कह रहे हैं पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब कि जहां पर इसकी, इसके स्टेटमेंट्स को लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है। तो पाइथन की सबसे बड़ी खासियत हाई लेवल, पाइथन की दूसरी खास बात इंटरप्रेटेड, तीसरी क्या खास बात है, अगला देखिए कि पाइथन इज
सिंपल। पाइथन कैसी लैंग्वेज है? इजी टू राइट, इजी टू डीबग, इजी टू मेंटेन, इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए कुछ खास बातें आपके सामने और मैंने पढ़ा दी। इतनी विशेषताएं हैं इस लैंग्वेज में कि बताया जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। आज पाइथन यूं ही नहीं इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है बच्चों। और क्या खासियत है? पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल का मतलब क्या है? इसको, इसमें प्रोग्राम लिखना, इसको मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत आसान है। प्रोग्राम लिखना बहुत आसान है, जैसा कि हमने पहले भी कह रखा है। क्यों लिखना आसान है? जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कोड हैं, जो लाइनें हैं, वो एकदम सिंपल इंग्लिश में है। तो आपको विशेष कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं है पाइथन की प्रोग्रामिंग के लिए। इजी टू डीबग का मतलब क्या होता है? डीबग का मतलब होता है बच्चों, पहले तो यहां समझिए, डीबग में एक शब्द लगा हुआ है बग। बग मतलब होता है भाई एरर। क्या होता है? तो पाइथन में अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ रही है तो उसको पकड़ना, उसको फाइंड आउट करना, उसको रेक्टिफाई करना, उसको रिमूव करना, उसको दूर करना, ये बहुत इजी है। इजी टू डीबग क्यों इजी है? क्योंकि पाइथन का जो डीबगिंग सिस्टम है, पाइथन जो एरर्स बताता है, वो बहुत आसानी से, बहुत क्लियर एरर्स मैसेज देता है। यानी प्रोग्रामर को देखकर ही समझ में आ जाएगा कि मुझसे क्या गलती हो रही है। मैसेज को पढ़ के ही बच्चों को समझ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि मुझसे क्या मिस्टेक हो रही है। आगे मैं कोई वीडियो आपको पाइथन पे एरर्स का बताऊंगा कि कितने प्रकार की एरर्स हो सकती हैं पाइथन में, ये भी आपके सामने एक्सप्लेनेशन दूंगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स। तो देखिए ये सब कुछ आप कर सकते हैं किसकी मदद से? इजी टू डीबग, इजी टू मेंटेन। लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना, उसको समझना, उसमें एरर, मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि कोई नया मॉड्यूल उसमें जोड़ना है, कुछ फंक्शन उससे बाहर निकालना है, ये सब बहुत आसान है। और प्रीवियस लैंग्वेजेस में ये सारे कार्य डिफिकल्ट होते थे, उनको मैनेज करना आसान नहीं था। पाइथन ने उन सबको आसान बना दिया, इजी टू अंडरस्टैंड। निश्चित तौर पर जब इतनी खासियत होगी तो समझने में भी आसान होगी। और देख लीजिए, पाइथन हैज वाइड लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी क्या होता है तो समझिएगा, लाइब्रेरी मतलब कलेक्शन, मॉड्यूल्स प्लस फंक्शंस का। पाइथन की जो लाइब्रेरी है बच्चों, वो बहुत बड़ी है, बहुत उसमें एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, एक्सटर्नल फंक्शंस हैं, जिनको कि आपको सीधे प्रयोग करना है, आपको उसको यूज करना है, आपको निर्माण नहीं करना। तो आपको मैं कहूं कि रेडीमेड, बहुत कुछ रेडीमेड उपलब्ध है, जिसको कि मैं लाइब्रेरी कह रहा हूं तो गलत नहीं होगा। बस आपको कॉल करना है, आपको यूज करना है। पाइथन कि लाइब्रेरी इतनी जबरदस्त है, इतनी पावरफुल है कि आप लगभग सारा कार्य बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, एक्स्ट्रा सपोर्ट के कर लेंगे। हाँ, बस आपको इतना जरूर आना चाहिए भाई कि लाइब्रेरी में कहाँ पे क्या है, उसको कैसे उपयोग करना है, उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, ये आपको मालूम करना जरूरी है। अच्छा, पाइथन को जो लोग आज के समय में यूज कर रहे हैं, जो आज के पाइथन के यूजर्स हैं, मैं प्रमुख यूजर्स की बात अगर करूं तो आपने सुना होगा गूगल, जो बहुत बड़ी कंपनी है आज की डेट में, पाइथन की मदद लेती है अपने एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट में, आईबीएम, आपकी नासा, आपका यूट्यूब,
ये वो बड़े प्लेयर्स हैं, वैसे तो न जाने कितने बड़े और प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स माने वो लोग जो इसका यूज करते हैं, ये वो प्रमुख बड़े प्लेयर्स हैं बच्चों आज की डेट में, जो पाइथन की मदद से अपने एप्लीकेशंस को प्रयोग कर रहे हैं, अपने एप्लीकेशंस को डेवलप करवा रहे हैं और उनको बेहतर बना रहे हैं। गूगल के बारे में बताने की जरूरत नहीं, IBM आपको जानकारी होगी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक बहुत बड़ी कंपनी है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी और यूट्यूब जिसकी मदद से हम आपके से कनेक्ट हो पाते हैं, वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं और आप तक वो पहुंच पा रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है। ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं जो कि जिनका कुछ मतलब कितना बड़ी वेल्थ है कोई नहीं जानता, लेकिन ये भी आज यूज कर रही है किसको, तो इसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाइथन कितनी पावरफुल है ना। और पाइथन का यूज कहां पे है, यूजेस की अगर मैं बात करूं, यूजेस ऑफ पाइथन, कुछ प्रमुख यूज की मैं बात कर सकता हूं कम समय में, तो देखिए आपका मैथमेटिक्स में मशीन लर्निंग में साइंटिफिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इन सब जगहों पर बच्चों यूज है किसका, आपके पाइथन का। मशीन लर्निंग में, मशीन लर्निंग क्या होती है आप जानते होंगे कि आजकल की मशीनें बच्चों अपने अनुभवों से सीखती हैं और अपने आप को बेहतर बनाती हैं। ये मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में पाइथन का यूज है। साइंटिफिक एप्लीकेशन, पाइथन का एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है SCIPY, साइंटिफिक पाइथन, जिसकी मदद से आप साइंटिफिक एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। पाइथन का एक और है आपका NumPy, न्यूमेरिकल पाइथन, ये भी एक क्या है, एक्सटर्नल मॉड्यूल है जिसकी मदद से आप पाइथन के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, पाइथन के एप्लीकेशन का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए कुल मिला जुला के इतना ही कहूंगा कि पाइथन आपकी एक जबरदस्त पावरफुल लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप आज एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। और पाइथन फ्रॉम बिगनिंग छोटे स्टूडेंट से लेकर बच्चों से लेकर आज साइंटिफिक एप्लीकेशंस में, लार्ज इंडस्ट्रीज में बड़े यूजर्स के बीच समान रूप से पॉपुलर है। यानी इस लैंग्वेज की जो स्वीकार्यता है, आप कह सकते हैं जो एक्सेप्टेबिलिटी है, वो वर्ल्ड वाइड है और निरंतर इसका विकास हो रहा है। तो आगे के आने वाले वीडियोज में बच्चों आपको और पाइथन की जानकारियों के साथ हम अवगत कराएंगे। और अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए अबाउट पाइथन, पाइथन का कोर्स, पाइथन लैंग्वेज सीखना है, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना है, जो भी आपकी आवश्यकता है, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ, डाउनलोड कीजिए हमारे चैनल के ऐप को, यूनिक ग्रुप के, फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। बाकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो में आपको मिल जाएगा नंबर्स और वहां जाकर भी आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हो बच्चों। तो होपफुली आपको ये छोटा वीडियो बच्चों पसंद आया होगा। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय एंड नमस्कार।